बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इनर वर्क क्या होता है और हम इस जर्नी को किस तरह और इजी बना सकते हैं। तो जो भी डिफ़िकल्टीज आपके पाथ पे इस टाइम आ रही है, आपको समझना होगा कि वो डिवाइन का प्लान है और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, कितना प्यार करते हो, कितना एक्सेप्ट करते हो खुद को जैसे आप हो एट प्रेजेंट। वैसे चेंज करके नहीं, चेंज नेसेसरी है, बट एट प्रेजेंट आप जो हो जैसे हो उस तरह आप खुद को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, चाहे वो थर्ड डायमेंशन में हो, अपनी बॉडी हो, आपकी लुक्स हो, आपकी चॉइसेस हो, सब पास्ट, आपका पास्ट, सब चीज़ों को आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना होगा। जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स किए हैं उनको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस एक ऐसा की है इस जर्नी में जो आपको आपकी सोल के साथ अलाइनमेंट में रखेगा, क्योंकि जब हम अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं उस कोशिश में हम अपने जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स मिलते हैं वो भी खो देते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, जैसे आप हो एक्सेप्ट योर सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है आप एवोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, आप इवॉल्व नहीं होंगे, नहीं, इवॉल्व होना है और वो हर इंसान होता है, नेसेसरी है वो पार्ट। बट द थिंग इज कि एक्सेप्टेंस अपने लिए रखो, जो भी चेंज आ रहा है, जैसा भी है, जो भी चीज़ है उसके लिए एक्सेप्टेंस रखो। गिल्ट में मत जाओ उस चीज़ को लेकर। जो मिस्टेक्स आपने की हैं उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सेकंड है, आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट हुए, चाहे आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के कनेक्ट हुए, चाहे आप प्रेजेंट मोमेंट में साउंड सुन के कनेक्ट हुए, चाहे आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करके प्रेजेंट मोमेंट में आए। आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके ही पता लगेगा कि इस लाइफ टाइम में आपका आने का पर्पस क्या है और आपका अपने ट्विन से जो यूनियन होगा वो कैसे होगा और कब होगा। और क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइज इस पे फोकस करती हैं कि थर्ड डायमेंशन में हमारा ट्विन के साथ यूनियन कब होगा। फर्स्टली आपका फिफ्थ डायमेंशन में इम्पॉर्टेंट है यूनियन होना, अपने टेलीपैथिक कनेक्शन अपने ट्विन से बनाना, हर एक चीज़ समझना, हर एक चीज़ समझाना उनको, और एक मर्जिंग बोलते हैं इसको, जहाँ आप मर्ज होने लगते हो, आपके एक्शंस दोनों के क्लोजली सेम होने लगते हैं, आप एक दूसरे को बिना कुछ बोले भी साइलेंस में भी काफ़ी कुछ बोल देते हो, आप बिना कुछ बताए भी काफ़ी कुछ बता देते हो। तो आपके एक्शंस डिफाइन करेंगे कि आप अपने हेड सेल से कितना कनेक्ट होना चाहते हो। और मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। बहुत सारी फेमिनाइज में देखती हूँ वो 3D में फोकस करती हैं, उनका फोकस इस पर बिल्कुल भी नहीं होता है कि उनका ट्विन क्या कर रहा है थर्ड डायमेंशन में, उस पर फोकस होता है। ठीक है, आपको ट्रिगर आया, आपके ट्विन ने कुछ किया या बोला जिससे आपको ट्रिगर आया, बट द थिंग इज के आपका फिफ्थ डायमेंशन में जो आपको सिंक्रोनिसिटीज में मैसेज मिल रहे हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या उसको इग्नोर कर रहे हो? क्या चीज़ है जो आपको ये बताएगी कि आप और आपका ट्विन ऑलरेडी मर्जिंग आपकी होने लग गया, आपके जो फेस लुक्स है सेम होने लग जाएंगी, आपकी जो चॉइसेस हैं सेम होने लग जाएंगी, पैरेलली आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करोगे, आपका एक दूसरे से कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपका ट्विन थर्ड डायमेंशन में आपको कुछ बोल रहा है बट आपको पता होगा फिफ्थ डायमेंशन में वो क्या फील करता है और क्या बोल रहा है, और कई कई चीज़ें ट्विन फ्लेम को एक दूसरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें आप कर लो, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट एक्सेप्टेंस रखो, एक्सेप्ट नहीं करोगे खुद को तो अपने ट्विन को नहीं कर पाओगे, उनकी शेडो साइड को देखते रहोगे कि वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, वो छोड़ के चले गए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। लीव ऑल दैट बुलशिट अलोन, लीव इट। और सेकेंडली आप इस चीज़ को लेके चलो कि आपको हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होना है, कौन से साइंस भेज रहा है हायर सेल्फ, क्या आप उस पर फोकस कर रहे हो? इसका मतलब ये नहीं आप नंबर को ही देखते रहे, अरे ये नंबर मिल रहा है, अरे ये नंबर मिल रहा है, नहीं, आपको फोकस इस पर भी होना चाहिए कि हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है।